ये वीडियो बनाने का आज मेरा कोई भी प्लान नहीं था, उल्टा मैं आज पोकेमॉन होराइजंस के फर्स्ट एपिसोड के ऊपर वीडियो बनाने वाला था। बट आज सुबह जब मैंने इस एनिमे का फर्स्ट एपिसोड देखा, तब इसने मुझे लिटरली मजबूर कर दिया कि मैं पहले इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं। मैं यहां बात कर रहा हूं ओशिनोको की, जिसका फर्स्ट एपिसोड एक्चुअली में 3 दिन पहले रिलीज हो चुका है, बट उसे मैंने आज सुबह ही कंप्लीट किया। एंड इसके फर्स्ट एपिसोड का लेंथ ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का था, बट मैं उसको लेकर बिल्कुल कंप्लेन नहीं करूंगा, बिकॉज क्रिएटर्स ने ये जो डिसीजन लिया था ना फर्स्ट एपिसोड को 1.5 घंटे का करने का, ये वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था उनका। अब ऐसा क्यों है, इसका जवाब मैं तुम्हें आगे वीडियो में दे दूंगा। बस अभी के लिए इतना समझ लो कि जो इम्पैक्ट इस एनिमे ने मेरे ऊपर अभी डाला है ना, वो इम्पैक्ट शायद ये एनिमे मेरे ऊपर नहीं डाल पाता अगर ये एपिसोड इतना लंबा नहीं होता। मैं तुम लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। तो हमारी स्टोरी शुरू होती है एक 16 साल की लड़की से, जिसका नाम है आई होशिनो, जो कि मॉडर्न वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी आइडल होती है। बट फॉर सम रीजन ही बिकेम प्रेग्नेंट इन जस्ट द एज ऑफ 16 इयर्स ओल्ड। एंड आई और उसका एजेंसी प्रेसिडेंट एक बात अच्छे से जानता है कि अगर ये बात बाहर आई तो आई का आइडल और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का करियर यहीं पर खत्म हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आई और उसके एजेंसी प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि वो आई की डिलीवरी एक कंट्री साइड के हॉस्पिटल में करवाएंगे, ताकि ये बात एक सीक्रेट रहे। अब वहीं पर आई को एक डॉक्टर मिलता है, जो कि एक्चुअली में उसका बहुत बड़ा फैन भी होता है। अब शुरुआत में वो डॉक्टर भी आई को प्रेग्नेंट देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, बट थोड़ी देर बाद ही वो आई को प्रॉमिस करता है कि एज अ डॉक्टर एंड एज हिज फैन वो उसकी मदद करेगा, ताकि आई एकदम हेल्दी बच्चों को जन्म दे। अब डिलीवरी की डेट बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाती है, और ऐसे ही एक दिन जब डॉक्टर अपनी शिफ्ट खत्म करके अपने घर जा रहा होता है, तब रास्ते में उसे एक बंदा मिलता है जो उससे आय के बारे में पूछता है। बट डॉक्टर को एक बात अच्छे से पता होती है कि आय का कोई भी रिलेटिव नहीं है, और उसकी इस हालत के बारे में एजेंसी प्रेसिडेंट के अलावा और किसी को नहीं पता। तो वो पहले उस बंदे से उसकी आईडी मांगता है, बट इतना ही वो बंदा वहां से भाग जाता है। डॉक्टर यहाँ उस बंदे के पीछे भागता है, ये सोच कर कि कहीं ये बंदा आय का सीक्रेट रिवील ना कर दे। पर डॉक्टर की किस्मत ही खराब है, क्योंकि वो बंदा उसे खाई से नीचे फेंक कर उसे लिटरली मार देता है। अब इसे तुम उसकी खराब किस्मत कहो या उसकी अच्छी किस्मत, पर जब उसकी आंखें खुलती हैं, वो देखता है कि वो रीबॉर्न हो चुका है एज आईज चाइल्ड। या पिछले 9 महीनों से ये बंदा आई के जिन 2 जुड़वा बच्चों का ख्याल रख रहा था, आखिर में वो उन्हीं में से एक बन के रीबॉर्न हो जाता है। अब इसके बाद एपिसोड के अगले 40 से 45 मिनट हमें यही दिखाया जाता है कि आखिर कैसे आई अपनी पर्सनल लाइफ और आइडल लाइफ को बैलेंस करती है, एज नाउ शी बिकेम अ मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन। हालांकि इसमें उसे ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, बिकॉज उसके दोनों ही बच्चे रीबॉर्न हुए हैं, एंड दोनों ही अपनी पिछली लाइफ के अंदर आय के बहुत बड़े फैन थे। बाय द वे, इस न्यू लाइफ में हमारे डॉक्टर का नाम एक्वा है, एंड उसके साथ जो उसकी ट्विन लिटिल सिस्टर है, जो कि बिल्कुल उसी की तरह रीबॉर्न हुई है, उसका नाम रूबी है। एंड दोनों अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं आय की मदद करने की, कि उसका ये सीक्रेट कभी भी बाहर ना आए कि उसके 2 बच्चे हैं। बट दोनों ही लास्ट लाइफ में थे, तो आय के बहुत तगड़े वाले फैन ही, तो कभी कभी ओटाकू वाली हरकतें हो ही जाती हैं आय को देख कर। हालांकि आई की इस पर्सनल लाइफ के साथ साथ ये एनिमे एक्सप्लोर करता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अदर साइड को, कि कैसे एक आइडल और एक सोलो एक्टर की लाइफ एक दूसरे से कितनी ज्यादा डिफरेंट होती है, क्या क्या स्ट्रगल्स वो फेस करते हैं, कितना प्रेशर होता है उनके ऊपर, ना कि सिर्फ ऑडियंस का बल्कि जिनके साथ वो काम कर रहे हैं उनका। उनके मन में हमेशा एक डर रहता है कि मुझे अच्छा परफॉर्म करना होगा, वरना कोई और आके मेरी जगह ले लेगा। प्लस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है, वो बैकग्राउंड वाला पूरा सीन जो उन्होंने दिखाया है, दैट वॉज टोटली ऑसम भाई। बट अब अगर तुम्हें लगता है कि इन सब की एक बहुत ही अच्छी हैप्पी एंडिंग हुई है, तो नहीं, तुम लोग पूरी तरीके से गलत हो। एपिसोड का पहला 1 घंटा जितना मजेदार, जितना एंटरटेनिंग था, अगला 20 मिनट उतने ही ज्यादा इमोशनल, उतने ही ज्यादा रुला देने वाले थे। एंड इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हें एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर तुमने अभी तक इसका फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है, तो प्लीज इस वीडियो को आगे कंटिन्यू मत करो, बिकॉज अब थोड़ी सी स्पॉइलर वाली टॉक होने वाली है, बिकॉज मैं अपने ओपिनियंस भी शेयर करूंगा, तो उसके लिए मुझे थोड़े बहुत स्पॉइलर तो देने ही होंगे। तो इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा पहले वो एपिसोड देखाओ, बहुत ही मस्त एपिसोड है, एंड देन तुम वीडियो को यहीं से कंटिन्यू कर सकते हो। एंड आई होपिंग कि तुम में से जितने भी लोगों ने एपिसोड नहीं देखा, वो सारी वीडियो को छोड़ के जा चुके होंगे, एंड अब तुम में से जितने भी लोग देख रहे हैं, इन सब ने फर्स्ट एपिसोड पूरा देख लिया है। सो नाउ लेट्स जंप ऑन द क्लाइमैक्स। सब कुछ एकदम परफेक्टली, एकदम अच्छा चल रहा होता है,
और आय को डोम में परफॉर्म करने का मौका मिलता है, जहां पे परफॉर्म करना हर एक आइडल का सपना होता है। बट उसके बाद भाई जो हुआ दैट वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड। भाई मैं लास्ट मोमेंट तक भाई बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि भाई ये सब हो जाएगा। इनफैक्ट जब वो बंदा फूल लेके बाहर खड़ा हुआ ना, तो मुझे लगा कि ठीक है कॉन्ग्रेचुलेट करने आया होगा, बट भाई वो कर दिया भाई उसने। मुझे आखिरी मोमेंट पर जब तक मैंने आय का खून नहीं देखा ना, तब तक मुझे यकीन नहीं हुआ कि ही एक्चुअली डिड इट। एंड जब भाई उस बंदे ने उस चीज़ का रीज़न बताया ना, मेरा सच में भाई दिल से मन किया कि अभी के अभी वहाँ जाऊँ एंड आई जस्ट गोना किल दैट गाय। जो रीज़न उसने आय को मारने के दिए, उसे देखकर तुम खुद एक बार सोचोगे कि भाई ऐसे ही बंदे एग्जिस्ट करते हैं क्या दुनिया में। एंड द ट्रूथ इज यस, ऐसे बंदे रियल वर्ल्ड में भी एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं भाई। एंड एज अ रिस्पॉन्स भाई I don't say anything, तुम लोग खुद ही देख लो भाई। एंड इस सब के बाद आई का हर एक वर्ड, लिटरली हर एक वर्ड पे भाई मैंने मोबाइल बेड पे रखा और मैं बस भाई अपने खुद को रोक रहा हूँ भाई कि कहीं मैं रो ना दूँ भाई। उसका हर एक वर्ड भाई सीधा दिल पे जाके हिट हो रहा था एंड बस भाई मन कर रहा था भाई मैं रो दूँ, बट रोका भाई किसी तरीके से खुद को। एंड इसी मोमेंट के लिए मैंने तुम्हें वीडियो के शुरू में कहा था कि इसके क्रिएटर्स ने ये जो डिसीजन लिया है ना, ये 4 एपिसोड को एक ही एपिसोड बनाने का, इट वॉज द बेस्ट डिसीजन। बिकॉज तुम खुद सोचो भाई 1 घंटे 20 मिनट के अराउंड का एपिसोड था। अब अगर वो लोग इसे 20-20, 24-24 मिनट के एपिसोड में मतलब वैसे ही रेगुलर एनिमे की तरह अपलोड करते एंड वीकली अगर हम लोग एक एपिसोड मान के चलें, तो लिटरली पूरे 1 महीना हो जाता फर्स्ट एपिसोड और लास्ट ये वाला जो सीन आया इस एपिसोड के बीच का। तो तुम खुद सोचो क्या उतना बड़ा इम्पैक्ट ये कर पाता ऑडियंस के ऊपर जितना बड़ा इसने अब किया है, जब हम लोगों ने ये सारा सीन एकदम मतलब मूवी की तरह एक साथ देखा। 1.5 घंटे का एपिसोड बनाने का जिसका भी डिसीजन था ना भाई, वो भाई क्लैप डिजर्व करता है। बट चीज़ें यहीं पे ख़त्म नहीं होती। आय के फ्यूनरल के दिन एक्वा के दिमाग में एक चीज़ आती है कि ज़रूर इसके पीछे किसी ना किसी का हाथ है, कोई था जो चाहता था कि आय मर जाए। और शायद मैं अभी तुम लोगों को बताना भूल गया, पर जिस बंदे ने आय को मारा, उस बंदे ने आय के मरने के 3-4 घंटे के बाद ही सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। और एक्वा के दिमाग में एक चीज़ आती है कि आखिर उस बंदे को आय के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिली कहाँ से। बिकॉज आई प्रेग्नेंट है, वो कंट्री साइड में जाके डिलीवरी करवा रही है, वो कौन से शहर गई है, कौन से हॉस्पिटल में गई है, उसका डॉक्टर कौन है, और साथ ही साथ में उन्होंने जस्ट अभी अपार्टमेंट चेंज किया है, तो उनके इस नए अपार्टमेंट का एड्रेस आखिर उस बंदे को मिला कहाँ से। बिकॉज ये सारी चीज़ें उस जैसे स्टूडेंट के लिए पता करना बिल्कुल नामुमकिन सा है। तो कोई ना कोई जरूर था जो कि उस बंदे को इन्फॉर्मेशन दे रहा था। एंड एक्वा आखिर में कंक्लूजन पे पहुंचता है कि ये काम शायद उनके फादर का हो सकता है। एंड अब असली स्टोरी यहीं से शुरू होने वाली है। रूबी जहां बिल्कुल अपनी मॉम की तरह ही एक फेमस आइडल बनने का सपना देख रही है, वहीं पर एक्वा के सामने सिर्फ एक मकसद है, जिस बंदे ने भी उसकी मॉम को मारा, ही इज गोना किल हिम विथ हिज ओन हैंड्स। एंड ये बात मैंने नहीं बोली, ये बात खुद एक्वा ने बोली है। This is the most scariest part in that whole episode, भाई। And आने वाले 10 episode के अंदर हम लोग यही चीज देखने वाले हैं कि आखिर कैसे एक्वा अपनी मॉम के मर्डर का पता करता है। मेरे हिसाब से ये इस सीजन का तो सबसे बेस्ट एनिमे बन ही जाएगा। Hell's Paradise क्लोज तो रहेगा, पर अगर इस एनिमे ने यही चीज अगले 10 episode में भी मेंटेन की ना, यही एनिमेशन क्वालिटी, अच्छे इमोशंस और यही बढ़िया स्टोरी, तो मेरे लिए तो भाई एटलीस्ट ये इस सीजन का बेस्ट एनिमे हो गई। तुम लोगों ने एपिसोड देख लिया, तुम लोगों को कैसे लगा मुझे कमेंट्स में जाके बस जरूर बताना। तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट मोमेंट कौन था इस एपिसोड के अंदर, और साथ में
क्या तुम लोग रोए थे जब आय की डेथ हुई? ये बात मुझे कमेंट्स में जाकर जरूर बताना। और हाँ, वीडियो पसंद आया वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब के बाद कहीं मत जाना। जमाना हो गया 400 सब्सक्राइबर नहीं हुए, अब तो कर दो सब्सक्राइब, अब तो तुम्हारा भाई कंसिस्टेंट भी रहने वाला है। वैसे मैं बोल हर बार देता हूँ लेकिन कभी हो नहीं पाता हूँ, बट फिर भी डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड बाकी मैं मिलूंगा तुमसे एक और दस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।